दोस्तों आप सभी को आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर तो अच्छे से याद होगी। इस फिल्म को एक छोटे से बच्चे पर फिल्माया गया था जिसका दिमाग काफी कमजोर होता है और इसी वजह से उसके माँ बाप उसको हॉस्टल में डाल देते हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में छोटे से बच्चे का नाम ईशान था जो कि दर्शील सफारी ने निभाया था। इस फिल्म में दर्शील सफारी का अभिनय को दर्शकों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है और आज दर्शील सफारी काफी बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों आज क्या करते होंगे दर्शील सफारी, कैसे दिखते होंगे, ये सभी बातें जानने के लिए आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही तारे जमीन पर मूवी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों दर्शील सफारी का जन्म 9 मार्च 1996 को मुंबई में हुआ। उन्होंने फिल्मों में डेब्यू तारे जमीन पर मूवी से किया जो कि 2007 में आई थी। उस समय दर्शील सफारी सिर्फ 11 साल के थे और उन्होंने 11 साल की उम्र में लाखों दिलों पर राज किया। फिलहाल दर्शील सफारी काफी बड़े हो चुके हैं और दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट भी हो चुके हैं। ये किसी हीरो से कम नहीं लगते। साथ ही इन्होंने धारावाहिक सुन यार ट्राई मार में लीड रोल निभाया जो कि दर्शकों को बेहद ही आकर्षक लगा। उसके साथ ही दर्शील सफारी बहुत जल्द बॉलीवुड में एक बार फिर से डेब्यू करने वाले हैं और इस बार ये एक चाइल्ड एक्टर के रूप में नहीं बल्कि यंग एक्टर के रूप में नजर आएंगे। साथ ही इन्होंने अपनी बॉलीवुड फिल्म 3 लव स्टोरी की शूटिंग शुरू कर दी है जिसमें वो श्वेता तिवारी की बेटी पलक के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको तारे जमीन पर फिल्म में दर्शील सफारी का अभिनय कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।